हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 7 का चैप्टर 1 का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। दोस्तों एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, चलते हैं शुरू करते हैं। नंबर 1 का पहला बता रहा हूँ, 1/-5। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो 1/-5 का ए लगाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसको कहते हैं मोड। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, मोड का मतलब क्या होता है, ना ही प्लस और ना ही माइनस, कुछ नहीं होता, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, तो 1/5 होगा। सेकेंड नंबर बता रहे हैं, 7/9। इसका एब्सोल्यूट हो जाएगा 7/9, ये लगाएंगे मोड, तो इसका हो जाएगा 7/9, मतलब बताइए इसमें ना ही प्लस और ना ही माइनस होता है। अगला समझते हैं, 3 नंबर, 0/-4 है। तो हम लोग लिखेंगे 0/समथिंग, तो 0 हो जाएगा, है ना। 0 का हम लोग एब्सोल्यूट निकालेंगे तो 0 ही होगा, ये समझिए। कुछ भी 4 को किससे डिवाइड करेंगे, मतलब 0/समथिंग अगर कुछ भी करते हैं तो वो 0 आएगा, और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, -3/-2। तो यहाँ देखिए, माइनस से माइनस तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पहले से कट जाएगा, तो 3/2 इसका निकालेंगे हम लोग एब्सोल्यूट, तो 3/2 होगा, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है, चाहे माइनस भी रहेगा ना तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका इसका माइनस ऑलरेडी पहले से ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं, 2 नंबर का क्या, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर। इसमें कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करना है। पहला है कितना, 3/-7, तो कंपेयर करना है, यहाँ 3/-7 है और इधर है -3/7। हम लोग को कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो ये देखिए ऐसा है, इसका मोड लगाएंगे तो 3/-7 का ये मोड हो जाएगा, इधर भी -3/7 का मोड। तो इसका मोड जब हटाएंगे तो 3/7 हो जाएगा और इधर भी 3/7 हो जाएगा, तो दोनों तरफ बराबर हो गया ना, तो यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, इसका मतलब बराबर है ये, यानी इक्वल टू है। नेक्स्ट चलते हैं, उसी तरह से सेकेंड नंबर बता रहे हैं, कितना है, -5/7, 4/3। तो हम लोग यहाँ करना है -5/7, 4/3, है ना। तो यह इसका हो जाएगा एब्सोल्यूट 5/7, इधर हो जाएगा 4/3, तो इसमें बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, नॉट इक्वल टू मतलब बड़ा कौन है, अब ये भी चेक करना पड़ेगा, ये बड़ा कौन है, तो हम लोग ये बराबर नहीं है तो बड़ा चेक करना पड़ेगा ना कौन है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 3, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4, 7 × 4 = 28। तो हम लोग को इधर वाला बड़ा है, क्योंकि 28 आया इधर, हम लोग को ये साइन लगेगा, है ना। आगे चलते हैं, नंबर 3, -4/5 और इधर है -3, कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो -4/5 इसका मोड लगाएंगे और इधर -3 का मोड, जब इसका मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 इसका हो जाएगा 3, यहाँ भी बराबर नहीं है, नहीं है बराबर तो कौन बड़ा है, यहाँ 1 दे देते हैं, इसको 4 × 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3, 5 × 3 = 15, तो नीचे वाला बड़ा है ना, मतलब इधर बड़ा है इसमें भी, तो ऐसा हो जाएगा इसमें। दोस्तों ये एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करने बोला, लेकिन नॉर्मल अगर बोलता तो इधर बड़ा था, क्योंकि यहाँ जब भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो माइनस तो हट जाता है, यहाँ 4 रुपया है 5 आदमी को दे रहे हैं, यहाँ 3 रुपया अकेला एक आदमी ले रहा है, तो ये बड़ा है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि माइनस हटा के एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3, फाइंड ऑल द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/2/5। मतलब सारे रेशनल नंबर लिखना है आपको, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 हो सकता है। तो चलते हैं, नंबर 1, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, 2/5, एक ये भी हो सकता है, -2/5, एक ये भी हो सकता है, एक 2/-5, एक ये भी हो सकता है, क्योंकि सारे का एब्सोल्यूट वैल्यू यही होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो यही होगा, है ना। या तीसरा एक और बताता हूँ, -2/-5, 4 को हो गया, मतलब इसमें से कोई भी आंसर दोगे सब सही हो जाएगा। सेकंड नंबर बता रहा हूँ, 0 का
एब्सोल्यूट बताना दोस्तों, जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होता है। इसमें जीरो में आप कुछ दे सकते हैं, अगर ऐसा भी दे सकते हैं जीरो बाय समथिंग, मतलब कुछ भी दे दो, टू या जीरो बाय माइनस टू, इस तरह से भी दे सकते हैं। थर्ड नंबर कितना है, थ्री बाय फोर का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, पहला तो थ्री बाय फोर भी हो सकता है, माइनस थ्री बाय फोर हो सकता है, एक बार थ्री बाय माइनस फोर हो सकता है, या माइनस थ्री बाय माइनस फोर हो सकता है, ये सारा हो सकता है, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो आज इतना ही था दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।